हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे अर्बन नक्सलिज्म। सुनते रहते होंगे अर्बन नक्सली, एक बार नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में यूज किया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा किस लीडर के लिए, लेकिन अर्बन नक्सलिज्म का यूज किया था। तो ये मिथ या रियलिटी क्या है, ये इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये अर्बन नक्सलिज्म होता क्या है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि यार, नक्सलिज्म तो शुरू हुआ था, गरीब लोग शुरू किए थे, अनपढ़ लोग शुरू किए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि नक्सली मूवमेंट को पढ़े लिखे लोग सपोर्ट करने लगे, या क्या हुआ कि उनमें जो लीडर हुए उनके जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने लगे। तो वो क्या है कि वो शहरों में रहने वाले लोग जो नक्सली मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं उनको अर्बन नक्सलिज्म बोलते हैं। वो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे रहेंगे, अच्छे अच्छे बात बोलेंगे आपको, लेकिन वो पीछे से नक्सलियों को सपोर्ट करे रहेंगे, उसके विचारधारा को सपोर्ट करेंगे। जैसे कि एक नाम मैं बता रहा हूँ, अनुराधा गांधी नाम की एक लेडीज थी, तो इन्होंने बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, लेकिन नक्सलियों से इनका संबंध था। तो पहला तो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना होगा कि पहले जो नक्सली मूवमेंट थे वो कहाँ शरण लेते थे। वो जंगल में, पहाड़ पे, ये सब शरण लेते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब धीरे धीरे सरकार ने कोबरा कमांडो के द्वारा या बहुत सारा इंसर्जेंट ऑपरेशन चला के इनका काउंटर करने का काम किया, तो ये धीरे धीरे भाग के शहर की तरफ भागने लगे, और शहर में भाग के अब वहीं पर ये बस गए हैं। तो अर्बन लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्बन नक्सलिज्म, जो कि इन भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। हम लोग देखते होंगे ना कि छत्तीसगढ़ वगैरह में CRPF पे अटैक हो जाता है, उनके पास मॉडर्न हथियार आ जाता है। देखिएगा अभी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट नाम का एक संगठन है जो कि टेररिस्ट संगठन करार दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिएगा कि उसका जो मेन चीफ कमांडर है वो इंजीनियर है, समझ लीजिए वो डायनामाइट बनाने में माहिर आदमी है। तो इस तरह के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने वाला, ANIT वारंगल से पढ़ा हुआ आदमी है वो, और समझिए कि इसका कमांडर है CPI माओइस्ट का। तो ये सब लोग अगर जुड़ते हैं नक्सल ग्रुप से और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो इन सब चीज़ों को ही अर्बन नक्सली बोलते हैं, समझ गए ना। इट हैज़ बीन ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ दिज इंसर्जेंट डैट टू फाइनल आर्म ऑफ द रिवोल्यूशन सेल कम फ्रॉम विथिन, एंड डैट इंटेलेक्चुअल एंड वर्किंग क्लास फ्रॉम द अर्बन सिटीज सेल बी फाइनल स्पोक ऑफ होल। मतलब क्या है कि वो लोग शहर में बैठवा के वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, अगर कुछ उनको गिरफ्तारी वगैरह नक्सलियों किया जाता है तो बड़े बड़े वकील पढ़ के सब निकला हुआ रहेगा, सब इनके लिए केस लड़ेगा। तो वही लोग अर्बन नक्सली कहलाते हैं। भाई ये मिथ है, रियलिटी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।